परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हमारा ध्यान के लिए हम इब्रानी के पत्री 10 अध्याय आखिरी 4 वचन पढ़ेंगे, या तो 36 से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। साढ़े ध्यान दे वास्ते इब्रानिया की पत्री 10 अध्याय आखिरी 4 वचन पढ़ांगे, नहीं तो 36 वचन तो पढ़ांगे। क्यों जो तुहानू तिरस करन दी लोड़ है, पर तुसी परमेश्वर दी इच्छा नू पूरा करके वायदे नू प्राप्त करो। ये लिखिया है हुण थोड़ा जिहा चिर है जो आउण वाला आवेगा अते चिर ना लावेगा, पर मेरा धर्मी बंदा नेचा तो जीवेगा अते जी ओ पछा हट जावे, मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। पर असी ओना विचो नहीं जेड़े पिछा हट जान के नष्ट हो जाते हैं, सगो ओना विचों जेड़े नेचा करके जान बचा रखते हैं। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले है कि प्राणों को बचाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर मीटिंग में आत्मा बात करने के समय में और वचन से बात करने के समय में प्रभु यीशु यही बोलता है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हर मीटिंग दे विच आत्मा गल करन दे समय, परमेश्वर दा आत्मा गल करन दे समय, परमेश्वर गल करन दे समय एक कहिंदा कि मैं छेती आउंदा। हम यहाँ इकट्ठा होने के मकसद भी और मसीह जीवन बिताने के मकसद भी यही है, हम शीघ्र आने वाले यीशु को मिलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। असी इथे इकट्ठे होने का अर्थ भी अते असी मसीह जीवन जीन का मतलब भी यही है कि मसीह जदों छेती आवे ते असी उन्हें मिल सकिए। बाइबल में कई वायदा परमेश्वर ने दिया है, उसमें एक बहुमूल्य वायदा बोलने से हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगम है। प्रभु यीशु बाइबल दे विच कई कीमती वायदे दिते गए हैं, उन्हां विचों एक कीमती वायदा यह है कि साडे प्रभु यीशु मसीह दी गुप्त आगमन दे बारे विच हम आखिरी समय में आखिरी घड़ी में आया है, आने वाला आएगा वो देर नहीं करेगा करके हम वचन में पढ़ते हैं। असि आखिरी समय में आखिरी दिनों में आए हैं और असि वचन जो पढ़ते जो आने वाला आएगा ते चिर ना लाएगा। यीशु का आगमन के संबंधित में 3 खास बातें इस 36 वचन में पढ़ सकते हैं। एक तो धीरज, वायदा और परमेश्वर का मर्जी है। असी परमेश्वर के आगमन के बारे में 3 खास गल्लां इन वचना विच पढ़ सकते हैं। एक तो धीरज, एक वायदा अते एक परमेश्वर का आना। हम परमेश्वर का मर्जी करके परमेश्वर के वायदा को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज अवश्य करके बाइबल में पढ़ते हैं। असी परमेश्वर की इच्छा नू पूरिया करके परमेश्वर के वायदे नू प्राप्त करने वास्ते साडे विच धीरज होना बहुत जरूरी है। हमारे परमे यीशु मसीह इस संसार छोड़ के जाने के पहले अपने लोगों से कहा हुआ बात है, योना के एंजल 14 अध्याय के पहले 2 वचन में पढ़ सकते हैं। साडा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ने छोड़ के जान तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों नु कही हुई गल है, योना दी एंजिल 14 अध्याय दे पहले वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो हटन दिल ना घबरावे, परमेश्वर ते नेचा करो अते मेरे ते भी नेचा करो। तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ, उस जगह तैयार करने के बाद मैं आकर जहाँ मैं रहेगा वहाँ तुम भी रहने के लिए ले जाऊंगा, यही प्रभु का महान वायदा है। मैं तुहाडे लिए एक जगह तैयार करन जा रहा हूँ अते उस जगह नू तैयार करके मैं आवांगा ते तुहानू ले जावांगा, अते जिथे मैं रहांगा उथे तुसी भी रहोगे। यीशु शीघ्र आने वाला है, इस संसार की बात है और कलिसिया की बात है और प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह छेती आउण वाला है करके दुनिया ते कलिसिया दीआं गल्लां प्रकट करदीआं। परमेश्वर के उस वायदा को हासिल करने के लिए अमर जीवन में धीरज धरना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ परमेश्वर की मर्जी करना भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह दे उस वायदे नु परमेश्वर दे उस वायदे नु प्राप्त करने वास्ते परमेश्वर की इच्छा नु पूरा करना ते नाल ही नाल धीरज धरना भी बहुत जरूरी है। जो लोग उस वायदा के अनुसार शीघ्र आने वाले यीशु को मिलने के लिए हमारे लिए जो जगह तैयार करते हैं, उस जगह में रहने के लिए हमारा जीवन को तैयार करना है, उसमें कई अनुभव है। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के मर्जी करने के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो लोग छेती आने वाले आने वाले दिन जान वास्ते ते जो साडे लिए जगह तैयार करदा उस जगह विच जान वास्ते जो लोग अपने आप नु तैयार करदे हन ओदे बारे विच मैं कुछ गल्लां तुहानू दसना चाहना। क्योंकि पुराने नियम में
कई लोग परमेश्वर के मनसों को पूरा किया लेकिन परमेश्वर के सिद्ध मर्जी नहीं किया करके हम देख सकते हैं पुराना नियम का बलि हो सेवा हो और व्यवस्था हो उनको सिद्ध नहीं कर पाया करके हम देखते हैं पुराने नियम दे विच असीं वेखदे कि कई लोगों ने परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा किया पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नूं नहीं कर सकते चाहे पुराने नियम की सेवा हो पुराने नियम की व्यवस्था हो सिद्ध नहीं कर सकी प्रेरित किताब 13:22 में दाविद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया मेरे मन के अनुसार हृदय के अनुसार एक इंसान मिल गया वो मेरा मर्जी करेगा करके उसके बारे में गवाही दी है सुलन दी किताब 13 परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दी कि मेरे मन के अनुसार एक मनुख मेनु लभ गया वो मेरी पूरी इच्छा पूरी करेगा लेकिन पहले राजा 15:5 में पढ़ने से उसने भी परमेश्वर के सिद्ध मर्जी नहीं किया सारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने ठीक काम करने से भी एक विषय में उसने अपने जीवन में परमेश्वर को दुख देने के मुताबिक काम किया वो भी बाइबल में रिकॉर्ड किया गया नोट किया गया है पहला राजा 5 समय असि वेख सकते हैं पहले राजा 15:5 पहला राजा 15:5 वचन वेखते कि उन्हें भी परमेश्वर की मर्जी तो की पर सिद्ध मर्जी पूरा नहीं कर सकिया वो भी बाइबल दर्ज किया गया हम भी परमेश्वर को खुश करना प्रसन्न करना उसकी मर्जी करना करके ख्वाहिश हो सकता है लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में आने वाला अजमाइश परीक्षा के समय में परमेश्वर को मर्जी करने के बगैर सिद्ध मर्जी करने के बगैर उसको देख दुख देने वाला समय आ सकता है असि भी परमेश्वर की मर्जी पूरा करना सिद्ध इच्छा पूरा करना करके साडे दिल विच ख्वाहिश हो सकती है पर खाउन दे समय असि ओदी मर्जी दुख दे सकते हैं प्रेरित किताब 13:22 और पहले राजा 15:5 पढ़ने से परमेश्वर के सामने अच्छा काम किया वो दाविद सिर्फ एक काम में परमेश्वर के मनसा को पूरा कर नहीं पाया परमेश्वर के मनसा को मन को दुख दिया करके हम देख सकते हैं रसूलन ने कताब 13:22 का 22 वचन पहला राजा 15:5 वचन असि देखते कि जो कि परमेश्वर की मर्जी करने वास्ते चुनिया गया राजा दाऊद सी उन्हें भी परमेश्वर की मर्जी पूरा नहीं किया वो भी ओदी मर्जी करने दे विच एक गल विच हार गया प्रेरित किताब 13:22 रसूलन ने कताब 13:22 वचन फिर ओनू हटा के दाऊद नु खड़ा किया भाई उन्हों का पाशा होवे जिदे हक विच उसने साखी दे के आख्या भाई मैं जस्सी दे पुत्र दाऊद नू अपने मन पौंदा एक मनुख लभ्या उस मेरी सारी मर्जी पूरी करेगा फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईसै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा पहले राजा 15:5 पहला राजा 15:5 वचन क्यों जो दाऊद ने किया जो यहोवा दी निगाह विच ठीक सी अते अपने जीवन दे सब दिन उस सारे तो जीतो उसने हुक्म दिता सी किती ओरिया दी गल तो बिना किसे पासे ना फिरिया क्योंकि दाऊद वह क्या करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर के नाम की महिमा हो सब काम परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे करने से भी सिर्फ एक काम में ठीक नहीं किया करके बाइबल में रिकॉर्ड किया गया सब काम परमेश्वर की निगाह विच ठीक करने के अनुसार भी पर फिर भी एक काम उन्हें परमेश्वर की निगाह विच ठीक नहीं किया करके बाइबल विच दर्ज किया गया प्यारे भाइयों बहनों पुराने नियम में कोई भी किसी काम परमेश्वर के सामने पूरा करके परमेश्वर से गवाही पाया करके बोल नहीं सकता है किसी न किसी काम में वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में कम पाया गया इब्रानी के पत्र में पढ़ सकता है उनकी सेवा उनके याचक पद उनके बलि उनकी व्यवस्था उनके सिद्ध कर नहीं पाया असि नहीं देख सकते कि किसी भी मनुख ने परमेश्वर की मर्जी नु पूरा करके पूरा किया होवे बल्कि किसी न किसी गल दे विच ओ कट पाए गए इसलिए इब्रानियों के खत दे विच लिखा गया कि उन्हां दी सेवा उन्हां दा याचक पद उन्हां दी बलि उन्हां नू सिद्ध नहीं कर सकी इसलिए इस इब्रानी के पत्र पहले हम यीशु मसीह के बारे में बोलने के समय में इस जगत में आने के समय में उसने क्या कहा मालूम है इब्रानियों के खत दे विच साडे प्रभु यीशु मसीह के बारे विच बोलन दे समय ओ दुनिया में आउन दे समय उन्हें की क्या बताया इब्रानी के पत्र 10:5-7 तक पढ़ने से इब्रानियों की पत्री 5:10 वचन तक पढ़ने से जो बलि उनके सिद्ध नहीं कर पाया उस काम को सिद्धता का काम को यीशु मसीह अपने शरीर में पूरा करने के लिए ये संसार में आया पिता की सिद्ध मर्जी किया आखिरी में कलवरी में उसने पूरा किया करके
कहा है। जो बलि उन्होंने जीवन दे विच जिस काम नु नहीं कर सकती उस काम नु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देही दे द्वारा अपनी देही नु चढ़ा के एको बार पूरा किया अते उन्होंने सिक्कन वास्ते अपने आप नु बलिदान किया। पांच तो सात वचन तक परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बलि और होम बलि तुम प्रसन्न नहीं हुआ, मेरे लिए शरीर तैयार किया, देख मैं इसमें तेरी मर्जी करने के लिए आता हूँ। बलिदान ते भेटा तो तू नहीं नहीं चाहा, मेरे लिए एक देही तैयार की गई। पिता की मर्जी पूरा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। पिता की इच्छा नु पूरा करने वास्ते साडा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम इस संसार में मसीह के नाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं हम क्या किया, लेकिन हम इस शरीर में परमेश्वर ने दिया वो शरीर में हम परमेश्वर की मर्जी किया क्या, सिद्ध मर्जी किया क्या, यही सवाल है। असीं इस दुनिया विच मसीह दे नाम विच बहुत कुछ कर सकते हैं, पर प्रश्न यह नहीं कि असीं की कुछ कर सकते हैं, पर कि प्रश्न यह है कि असीं अपने जीवन दे विच कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नु पूरा करते हैं। पुस्तक में मेरे बारे में लिखा करके यीशु ने कहा उसके विषय में जो जो लिखा है उसको इस संसार में रहते हुए पूरा किया, इसलिए ये वचन पूरा हो गया करके यीशु ने कई बार बताया है। पुस्तक दी पत्रियां विच मेरे बारे विच लिखा गया करके यीशु ने आख्या अते अपने जीवन विच एक गल पूरी हुई, एक गल पूरी हुई करके उन्हें आख्या। भजन संगीत 40 की 6 और 7 पढ़ने के समय में इस वचन को और रीति से लिखा, उस वचन के पूरा होना है इब्रानी के पत्री 10 में हम पढ़ सकते हैं। 40 पूरे दे 6 वचन दे विच इस वचन नु होर तरीके दे नाल लिखा गया अते उस वचन दा पूरा होना ही इब्रानियां दी पत्री दे विच लिखा गया है। जो लोग परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करते हुए जल्दी आने वाले यीशु को मिलने के लिए हमारे लिए जो वायदा किया उस देश को अनुभव करने के लिए जो चाहते हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत ध्यान से जीवन बिताना चाहे। जो लोग परमेश्वर ने वायदा किया उसने अपने जीवन विच पूरा कर दे, उस जगह दे विच जान वास्ते जो साडे लिए तैयार करता वो लोग अपने जीवन विच बड़े ध्यान दे नाल रहना है। भजन संगीता 40 की 6 और 7 40 पूरो दा 6 ते 7 वचन। बलिदान और भेंट तो तू प्रसन्न नहीं हुंदा, तैं मेरे कान खोले हन, होम बलि और पाप बलि तैं नहीं मंगिया, तब मैं आख्या वेख मैं आया हां, पुस्तक दी पत्री विच मेरे लिए लिखिया होया है, पर तेरी इच्छा नु पूरा करन विच हे मेरे परमेश्वर मैं प्रसन्न हां। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले है, होम बलि और पाप बलि से तूने नहीं चाहा, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया करके हम देख सकते हैं पिता के सिद्ध मर्जी उसने पूरा किया। इस वचन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया करके असीं देख सकते हैं उन्हें पिता की संपूर्ण इच्छा नु पूरा किया। सारे वचन पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, सारे वचन पढ़ने वास्ते समय नहीं। योना के एंजल 4:34 में पढ़ने के समय में मेरा भोजन यही है, मेरे भेजने वाला पिता की मर्जी पूरा करना है, यही भोजन करके यीशु ने बताया। यूहन्ना ने इंजील 4:34 वचन विच कहिंदा कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने कलन वाले दी मर्जी नु पूरा करा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आने के समय में पिता से कहा मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, इसमें तेरी मर्जी करने के लिए आता हूँ करके बताया है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नु धरती उत्ते कलन दे समय यीशु मसीह ने आख्या कि मेरे वास्ते एक देह तैयार की गई, एदे विच मैं तेरी मर्जी पूरी करन लई आउंदा। प्यारे भाई प्यारे बहन हमारे जीवन में यीशु के लिए जैसा शरीर दिया गया हमारे लिए एक शरीर दिया, इसमें हम अपने मन मर्जी के अनुसार करते हुए जीवन बिताने के लिए नहीं पिता के सिद्ध मर्जी करने के लिए है। प्यारे बहन भरा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक शरीर दिता गया उसी तरह साडे लिए भी एक शरीर दिता गया है, इदे विच असि अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि पिता की परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नु पूरा करने लिए। एक समय में हम औरों के मानिन हमारा शरीर और मन चाहता था वैसा ही मर्जी करते हुए हम औरों को मानिंद परमेश्वर के क्रोध की योग्य संतान होकर जीवन बिताया। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक समय सी जदों सी होरां दी तरह अपनी मर्जी दे अनुसार अपने जीवन दे विच परमेश्वर नु दुख देन दे अनुसार जीवन नु बिताया। लेकिन मेरे और आपके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? पर मेरे तो तुहाडे बारे विच परमेश्वर दी योजना की है। परमेश्वर ने दिया वो इस शरीर में उसकी सिद्ध मर्जी करते हुए उसके वायदा को हम प्राप्त करना चाहिए
और जल्दी आने वाले यीशु को मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर मैं अपने शरीर दे विच असि परमेश्वर परमेश्वर ने साडे लिए ठहराई हुई इस सिद्ध मर्जी नु पूरा करन वास्ते असि सौंपना चाहिदा अते ओदे उन्नु मिलन वास्ते अपने आप नु तैयार करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर को मर्जी करना चाहता है, शरीर में परमेश्वर को मर्जी करना चाहता है, उनके जीवन में परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए उनका कान खुला रहना चाहिए। जो लोग अपने शरीर दे विच परमेश्वर दी इच्छा नु पूरा करना चाहते हैं उनके कान परमेश्वर दी आवाज नु सुनने वास्ते खुले रहने चाहिए। इब्रानी के पत्री में देख मेरे लिए शरीर तैयार किया करके लिखा, भजन में लिखा तूने मेरे कान को खोद के खोला करके लिखा है। इब्रानियों के खत में लिखा कि तू मेरे लिए एक शरीर नु तैयार किया, पर जबूरा दे विच लिखता कि तू मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, तू मेरे कन्ना नु खोलिया है। कितने लोग इस कन्वेंशन में आया हो लो, मैं परमेश्वर की मर्जी सिद्ध मर्जी मेरे शरीर में करते हुए जल्दी आने वाला यीशु को मिलने के लिए उस वायदा को देश को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार होना करके कोई सकता ऐसा लोग हाथ खड़ा करे। इस कन्वेंशन में जाने वाले लोग जो लोग कहते हैं कि मैं अपने जरीर के विच परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नु पूरा करके मैं जल्दी आने वाले प्रभु नु मिलने वास्ते मेरे वास्ते जो जगह तैयार करता उस विच जाने वास्ते मैं अपने आप नु तैयार करता। मेरे प्रभु तेरी इच्छा करने को अभी आता मैं दिन खुशी से मेरी माझी खुश नहीं होए प्रभु तेरी माझी मुझे शोधा होने दे तेरी माझी खुश नहीं होए प्रभु प्रभु हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के मर्जी अपने शरीर में करते हुए यीशु को मिलने के लिए चाहते हैं वो लोग परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कान खुला रहना चाहिए। जो लोग परमेश्वर की मर्जी नु अपने शरीर विच पूरा करते हुए चेते आने वाले प्रभु नु मिलना चाहते हैं उन्होंने कान हमेशा की आवाज सुनने खुले रहने चाहिए। यशाया 50 की उसके पांच में पढ़ने के चार और पांच में पढ़ने के समय में यशाया 50 अध्याय दे चार ते पांच वचन पढ़ने दे समय यीशु के बारे में लिखा है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उसके कान हमेशा खुला रहता था। परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए कान खुला रहने के कारण उसने विरोध नहीं किया, नहीं पीछे नहीं हटा करके लिखा है। असि देखते कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि परमेश्वर की आवाज न सुन वास्ते कान खुले रहते सन जो आख्या तो ना तो हाकी होया ना ही पीछे हटिया। यदि हम हमारा जीवन में हम पीछे हटने के बगैर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हुए यीशु को मिलना चाहे तो एक बात याद रखना है, हम विरोध करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। जेकर असि अपना दी आवाज नु सुन के ओदा विरोध किते बिना पीछे हटे बिना रहना है तो असि ओदा विरोध नहीं करना चाहिए। जिनके दूसरी रीति से बोलने से जिनका कान खुला है वो लोग कभी विरोध नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दूजे तरीके ना बोलिया जावे तो जिन्हां दे कान खुले हैं वो कभी भी विरोध नहीं करेंगे, हक्की नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ अभी पांच वचन पढ़ेंगे। पांच वचन तने मेरे कान खोले ता मैं ना आकी होया ना पीछे हटिया। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे पैन प्राओ, कई लोग कलीसिया छोड़कर पीछे हटने के कारण क्या है? कई लोग कलीसिया छोड़ के पीछे हटने का कारण की वो लोग शरीर में रहते हुए परमेश्वर के लिए जो काम किया सेवा किया उसमें संतुष्ट हो जाता है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनका कान खुला नहीं रहता है। वो लोग शरीर दे विच रहिंदे होए जो उन्होंने सेवा कीती ओदे विच ही खुश हो जांदे हन, पर वो परमेश्वर दी आवाज नु सुनने वास्ते उन्हां दे कान खुले नहीं हन। इसलिए कुछ कष्ट अजमाइश आने के समय में वो लोग विरोध करने के लिए परमेश्वर के विरोध करने के लिए चलावट के विरोध करने के लिए बात करने के लिए शुरू कर देता है, इसलिए उनके जीवन में पीछे हटने के अनुभव आता है। इसलिए उन्होंने जीवन दे विच कोई भी परख अजमाइश आने समय वो विरोध करने वास्ते परमेश्वर की आवाज का चलावट का विरोध करने वास्ते लग पेंदे हन। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में रहने के समय में क्या कहा मालूम है? साडे प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में रहने समय की क्या पता? हर एक व्यक्ति जो मुझे देखकर प्रभु प्रभु करके बोलने वाला है
पिता के राज्य में नहीं जाएंगे, पिता की मर्जी करेंगे वही जाएंगे करके मैथ्यू 7 अध्याय में बताया है। हर कोई जो मैंने प्रभु प्रभु करके कहता है वो स्वर्ग पिता के राज विच नहीं जाएंगे बल्कि वही जाएंगे जो पिता की पूरे इच्छा नु पूरा कर दिया। उन्होंने यीशु के नाम में कई काम किया है, उसमें एक शैतान को भगाया, भविष्यवाणी किया, कई अद्भुत काम किया करके वो लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम विच कई अद्भुत काम किए, शैतान नु कढ़िया अते कई अगम्मा किए, वो अपने मुंह तो इस गल नु बोलते हैं। मैथ्यू 7 अध्याय के 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती दी अंजील 7 अध्याय दे 21 वचन तो 23 वचन तक पढ़ांगे। ना हरेक जेड़ा मेनू प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग दे राज विच वड़ेगा बल्कन ओहो जो मेरे स्वर्गीय पिता दी मर्जी उत्ते चलदा है। उस दिन अनेक मेनू आखणगे हे प्रभु कि असा तेरा नाम लेके अगम बात नहीं कीता अते तेरा नाम लेके पूत नहीं कटे अते तेरा नाम लेके बहुतियां करामाता नहीं कीतिया। तब मैं ओना नु साफ आखांगा भई मैं तुहानू कदी भी नहीं जानिया, हे बुरियारो मेरे कोलो चले जाओ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा। क्या यीशु के नाम में भविष्यवाणी करना है, यीशु के नाम में शैतान को भगाना है, यीशु नाम में अद्भुत करना है, ये क्या कुकर्म का है काम है? कि प्रभु यीशु मसीह के नाम विच अगम वाक करना, शैतान नु कढ़ना, अद्भुत काम करने की परमेश्वर की काम नहीं है? सब कुछ यीशु के नाम में किया लेकिन यीशु ने आखिरी दिन में क्या बोलता है? सब कुछ यीशु के नाम विच किया पर यीशु आखिरी दिन विच की कहता ये कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं जाना है। कहता ये बुरियारो मेथों दूर हो जाओ मैं तुम्हें कदे नहीं जाने। इन्होंने यीशु के नाम में सब कुछ किया है लेकिन पिता के मर्जी के बिगर किया कर हम देख सकते हैं। इन्होंने यीशु के नाम विच सब कुछ किया पर पिता की मर्जी तो बिना किया है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों हम धीरज धरते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए हमारे इस शरीर में परमेश्वर की मर्जी करके हम यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। इसलिए प्यारे भैन भ्राओ असीं धीरज धरते हुए वायदे नु प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह नु मिलने वास्ते तैयार होना है। अब थोड़ी समय रह गया है, आने वाला आएगा देर नहीं करेगा। हम थोड़ा चिर रह गया कि आने वाला आएगा अति देर ना लगाएगा। यीशु हमें लेने के लिए आने के समय में हम इस शरीर में पिता के सिद्ध मर्जी किया करके एक गवाही के साथ जीवन बिताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आने के समय असि अपने इस शरीर दे विच पिता की संपूर्ण मर्जी नु पूरा किया करके एक गवाही होनी चाहिए। हम एबीसी के पत्री 2 अध्याय के 3 वचन में पढ़ने के समय में हम पहले समय में जैसा हमारा मन और शरीर चाहता था वैसा करते हुए आज्ञा ना मानने वाला संतानों के हम परमेश्वर के क्रोध के योग्य जीवन बिताया करके पौलुस बताते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 3 वचन दे विच कहिंदा कि असि पुराने समय दे विच असि जिस तरह साडे मन ने चाया उसे तरह असि दिन कटदे सां अते असि अपने स्वभाव तो ही गजब दे जां क्रोध दे पुत्र सां। कल शाम के मीटिंग में आप अच्छे रीति सुना है परमेश्वर का क्रोध कैसा 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 देश के ऊपर लोगों को ऊपर आता करके स्पष्ट रीति से आपने सुना है। कल शाम की मीटिंग दे विच किस तरह परमेश्वर का क्रोध किस तरह किथे किथे आया करके तुसी चंगी तरह सुनिया। लेकिन एफेसियों के पत्री 3:5 में कोलोसियों के पत्री 3:6 में पढ़ने से आज्ञा ना मानने वाला संतान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा करके पढ़ सकते हैं। असि इफिसियों की पत्री 3:5 वचन दे विच ते कोलोसियों की पत्री 3:6 वचन दे विच पढ़ के देख सकते हैं कि आज्ञा ना मानने वाले शैतान दे आज्ञा ना मानने वालों दे उत्ते परमेश्वर का क्रोध आएगा। हम कलीसिया में रहते हुए अपने सिद्ध मर्जी करते हुए परमेश्वर की मर्जी के विरोध करते हुए जीवन बिताते हैं क्या आज्ञा मानने वाला संतान में दिखाई देते क्या आज्ञा ना मानने वाला संतान में दिखाई देते करके अपने आप की जांचना बहुत जरूरी है। असि अपने शरीर दे विच रहिंदे होए असि अपनी मर्जी नु करदे नहीं तो पिता दी सिद्ध इच्छा नु पूरा करदे आ करके असि बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग परमेश्वर की मर्जी करने के लिए मैं आया करके सोम देते हैं गीत भी गाते हैं लेकिन कभी कभी अपने मर्जी करते रहते हैं। कई लोग परमेश्वर की मर्जी पूरा करने वास्ते मैं आया करके सौंप देते हैं गीत भी गाते हैं पर कभी कभी
ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਗਮੰਡ ਕਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਾਨ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਗੀਤ ਗਾਤਾ ਹੈ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਨੇ ਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਗਮੰਡ ਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮ ਗੀਤ ਗਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪੂਰਾ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਈ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕੋ ਹਮ ਕਲੀਸਿਯਾ ਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਲੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ टेरी मीटिंग के गीत है आप समझने के लिए गा रहे हैं मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं अपनी करता हूं मैं गाना अवश्य है हम हमारे पवित्रता के लिए आलिम के साथ मेरे घमंड के कारण कई बार मेरे पिता को मर्जी करने के बगैर अपनी मर्जी करता करके आलिम होना बहुत जरूरी है पवित्र होना बहुत जरूरी है एक गीत गाना बहुत जरूरी है मैं मेरी मर्जी करते करते मेरे कमांड के कारण मैं मेरी मर्जी करता करके बोल के इच्छा के अनुसार पवित्र होना बहुत जरूरी है लेकिन यीशु का आगमन तक मैंने मान लिया करके उसी अपने मर्जी करने से क्या होगा प्रभु यीशु मसीह की आमद तक मैं मान लिया करके बोलते रहेंगे तो की होगा हम हाथ छोड़ दिए जाएंगे असि हाथ छोड़ देते जावांगे देख मेरे लिए एक शरीर तैयार किया इसमें मैं तेरी मर्जी करने के लिए आता देख मेरे लिए एक देह तैयार की गई ये विच मैं तेरी मर्जी पूरी कर प्यारे बहन इस शरीर रूपांतर होकर यीशु के आगमन में उसके साथ उड़ जाना चाहे तो हम परमेश्वर की मर्जी करने में संतुष्ट नहीं होना चाहे उसके सिद्ध मर्जी करने में हम सिर रहने के लिए अभ्यास करना चाहे प्यारे पैन प्राप्त प्रभु यीशु मसीह की आमद जेकर ये शरीर बदल के ओदे नाल उठ जाना है तो असि ओदी मर्जी करने विच संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि असि ओदी सिद्ध इच्छा नु पूरा करना चाहिए समय कम के कारण कुछ मुख्य बात है मैं संक्षेप में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ समा कटोन के कारण कुछ खास कर लो मैं बोल के खत्म करांगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ने से रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ने हम हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए कैसा बलि होकर चढ़ाना है हम परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए जानने के लिए कैसा हमारे मनों को नया करने करके दोनों वचन में वर्णन किया गया है असि किस तरह अपने शरीर को परमेश्वर के लिए एक जीवंत बलिदान होकर चढ़ाना और किस तरह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना करके 2 वचन के विच दसया गया है सो ही प्रभु मैं परमेश्वर की रहमतों की खातिर तुहाडे अगे बेनती करता हाँ कि तुसी अपनी देहां नूं जीवंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ ये तुहाडी रूहानी बंदगी है अते इस युग दे रूप च ना बनो सगो अपने बुद्ध दे नवे होण करके होर स्वरूप विच बदलते जाओ ता जो तुसी सियान लवो पर परमेश्वर
इच्छा की है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारा शरीर को कैसा बलि होकर चढ़ाना करके पहले वचन में लिखा, और परमेश्वर के बलि और भावता और सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए कैसा हमारा मन को नया करते हुए हमारा चाल चलन बदलना करके सफाई से लिखा है। कितना से अपने शरीर नु परमेश्वर के वास्ते जीवंदते पौधे मन पौधा बलिदान करके चढ़ाना करके पहले वचन दे विच लिखिया, अते दूसरे वचन दे विच किस तरह से ओदी सिद्ध चंगी अते पूरी इच्छा नु जानन वास्ते अपने बुद्ध नु अपने नवे अपने मन नु नवा करना करके लिखा है। क्योंकि यीशु ने सिर्फ नहीं है, प्रेरित लोग भी अपने जीवन में कलीसिया में लोग सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहने करके प्रार्थना किया करके एक सेवक के बारे में बताया गया। कुलोसियों के पत्र 4:12 में पढ़ सकते हैं। सिर्फ कलीसिया में ही नहीं बल्कि रसूलों के विच भी ओकेन कि किस तरह परमेश्वर की मर्जी नु सिद्ध इच्छा नु पूरा करके ओदे विच स्थिर रहना करके कुलोसियों की पत्र 4:12 विच कहा गया है। कुलोसियों के पत्र 4:12 में एक सेवक कलीसिया के लोगों के लिए वो कैसा परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना उसमें स्थिर रहने करके लिखा है। कुलोसियों की पत्र 4:12 एक सेवक किस तरह परमेश्वर की पूरी इच्छा नु पूरा करके ओदे विच स्थिर रहना है। इपाफ्रास मसीह यीशु दा दास जेड़ा तुहाडे विचो है तुहाडे सुख संत पुछदा है अते अपनी प्रार्थना विच सदा तुहाडे लिए वड्डा जतन करदा है ते तुसी परमेश्वर दी सारी इच्छा विच सिद्ध अते पक्के होके टिके रहो। इपाफ्रास जो तुम में है और मसीह यीशु का दास है तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा। इस दोनों बातों को आपके सामने दो घटनाओं के बारे में बताकर मैं समाप्त करूंगा। इन दोवां गल्लां नूं मैं तुहाडे सामने दो घटना कर दस के तो खत्म करांगा। कितना भी हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए समर्पण करता करके बोलने से भी समय आने के समय में हम परमेश्वर की बलि और भावता सिद्ध मर्जी के जानने के बगैर असिद्ध मर्जी करने के बगैर हम डामाडोल हो जाते हैं। कई बार अपनी मर्जी करने के लिए कोशिश करते हैं। इतना भी असी परमेश्वर में तेरी मर्जी पूरा करने वास्ते अपने आप नु सौंपदा करके बोलन ते भी पर समा उनते असी ओदी मर्जी नु पूरा करने वास्ते ओदी सिद्ध ते मन पौंदी अते चंगी इच्छा नु जाने पूरा कीते बिना असी डामाडोल हो जाने। पुराने नियम में न्यायों की किताब में पढ़ने के समय में पुराने नियम दे विच न्यायों दी किताब विच पढ़न दे समय एक समय में इजरायली लोग अपने भाई बेन्यामीनियों के साथ लड़ने के लिए एक मौका आया करके हम देखते हैं। एक समय दे विच इसराइली जो सन अपने प्रा बेन्यामीन दे विरोध विच लड़ने दा समा आया। उस समय में ऊंट ने 3 बार कुछ काम किया परमेश्वर से पूछा करके हम देख सकते हैं। असि देखते कि उन्हें 3 बार एक काम किया परमेश्वर तो पूछा। इसको मैं परमेश्वर की बलि और भावता सिद्ध इच्छा के बारे में आप समझने के लिए इस संभव को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर की चंगी अते मन पौंदी इच्छा समझन वास्ते तुहाडे सामने रखना चाहना। क्योंकि कई बार आत्मिक लोग जो परमेश्वर की मर्जी करते हो करके अपने आप को धोखा देता है, ये लोग अनजानता में अपना मर्जी करते करके जानने के बगैर और वो लोग जीवन बिताते हैं। कई बार जो रूहानी लोग नौवीं में परमेश्वर की मर्जी नु पूरा करदा करके अपने आप नु सौंपदा बोलन वाले लोग भी अज्ञानता दे नाल ओदी मर्जी नु पार टाल दिंदे हन। परमेश्वर की मर्जी के बगैर अपने आप कई प्रकार के सलाह करने के बाद आखिरी में जैसा इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा ऐसा पूछने के लिए आता है, जैसा कभी कभी चलाने वालों से पूछता है, सब कुछ अपना प्लान करने के बाद उनकी इच्छा को प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार योजना बनाने तो बाद फिर वो परमेश्वर के कोल पूछने वास्ते आते हैं जिस तरह इसराइली लोग परमेश्वर तो पूछते सन। मैं पिछले 90 से लेकर 2004 मार्च तक पंजाब में सेवा किया। मैं पिछले 90 तो लेके 2004 तक मैं पंजाब दे विच ही सेवा की थी। कई परमेश्वर के लोग कुछ अच्छा काम करने के समय में सेवादार की एक बात नहीं बताएंगे, आखिर में सब कुछ प्लान बनाने के बाद
इस दिन में हमने ये प्रोग्राम रखा, आप आना चाहे करके डिमांड करेंगे। कई परमेश्वर के लोग जो है अपनी अपनी मर्जी के अनुसार सारी योजना बनाने तो बाद फिर आके परमेश्वर के लोगों को कहेंगे असि इस तरह प्रोग्राम रखे तुसी आके दुआ करना। परमेश्वर को नहीं जानता है ऐसा अन्य जाति लोग हिंदू लोग कम से कम अपने पंडित से पूछकर समय निकालता, अच्छे समय में उस काम करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आया करके समर्पण करके गीत गाने वाला अपने मर्जी करते हुए सब कुछ करने के बाद आखिर में आमेन बोलने के लिए पास्टर आए आना चाहिए, ब्रदर आना चाहिए, सिस्टर आना चाहिए। परमेश्वर नु ना जानने वाले हिंदू लोग जो हन आखिर अपने पंडित दे कोल जाके चंगा समा केड़ा करके जिस समय दे विच असि ये प्रोग्राम रखना करके जाके पुछदे हन, पर परमेश्वर दी मर्जी नु पूरा करन वास्ते आए हुए लोग जो हन वो अपनी मर्जी दे अनुसार सारी योजना बना के आखिर दे विच पास्टर जी ब्रदर जी आमीन बोलन वास्ते आना। उदाहरण के लिए घर बनाने के लिए जब नींव का पत्थर रखने के लिए सेवादार को बुलाने के पहले सारा मटेरियल इकट्ठा कर देगा, मिस्त्री के लेबर को बुलाएगा, भाषा जी इस समय में आना है। कुछ दिन के पहले एक विश्वासी ने संडे सुबह सेवादार के पास आकर बताया और मुझे घर के जो फाउंडेशन रखना आप आके प्रार्थना कर। जिस तरह घर बनाने समय सारा चीजा कट्ठिया कर लेंगे, मिस्त्री नु बुला लेंगे, मजदूर नु बुला लेंगे, फिर जाके सेवका नु कहंदे असी नहीं रखनी है, तुसी दुआ करने वास्ते आओ। बीते हुए दिनों दे विच एक विश्वासी ने एतवार दे सवेरे आके ब्रदर नु बोलिया कि तुसी दुआ नहीं रख मैं नहीं रखनी, इसलिए तुसी दुआ करने वास्ते आओ। स्लैप डालने के काम हमेशा होता है संडे के दिन सेवादार आकर प्रार्थना करना चाहिए। लेंटर पाउन का काम भी एतवार नु हुंदा है, सेवक आकर दुआ करना चाहिए। सारे लोगों को तैयार कर देंगे, मिशन वाला को तैयार कर देंगे, मेस्त्री लेबर को तैयार कर देंगे, मटेरियल इकट्ठा कर देंगे, आखिरी में आकर सेवादार को बोलेंगे आमीन बोलने के लिए। सब कुछ तैयार कर लेंगे, वस्तुआं सारियां इकट्ठियां कर लेंगे, मशीन ले आएंगे, मिस्त्री नु साथ लेंगे, आखिर दे विच कहेंगे सेवक आके दुआ करना। मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं, आप अपने मर्जी करते हुए यीशु के बगैर एक नित्यता में जाने के बगैर सावधान रहने के लिए बात बताता हूं। मैं किसी दे दोष लाने वास्ते इतने नहीं खलोता, बल्कि तुसी अपनी मर्जी करके प्रभु यीशु मसीह तो बिना एक सदी पकताई विच नहीं जाना। यीशु के नाम में काम की लोगों को देखकर यीशु बोला एक कुकर्म करने वाला मुझसे दूर हो जा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। अपनी मर्जी ना परमेश्वर की मर्जी ना करने वाले लोगों को देख के प्रभु यीशु मसीह ने आख्या हे पुरियारा मेथों दूर हो जाओ, मैं तुहानू कदे नहीं जानिया। इस कुकर्म करने वाला इस शब्द के मूल भाषा में ऐसा कहा गया जो दूसरे भाषा में दूसरे लैंग्वेज जो भाषा के बाइबल में इंग्लिश न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस, जो व्यवस्था के बगैर जीवन बिताने के लिए अभ्यास किया हो लोगों मुझसे दूर चले जाओ। ए जेड़ा बुरियारो हे बुरियारो मेथो दूर हो जाओ, इस शब्द का अर्थ जेड़ा दूजी भाषा दे विच नहीं तो इंग्लिश बाइबल दे विच इस तरह दिता गया कि जिन्होंने व्यवस्था तो बिना जीना सीख लिया मेथो दूर हो जाओ। कलीसिया में रहते हुए हम व्यवस्था के मुताबिक जीवन बिताने के लिए अभ्यास करना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो मुकुट नहीं पाएंगे। जे असि कलीसिया विच रहिंदे होए असि व्यवस्था के अनुसार जीना सीखना चाहिए, जे असि व्यवस्था तो बिना जीवांगे तो असि मुकुट नु नहीं प्राप्त करांगे। शादी के लिए मीटिंग रखना है तो भी सब कुछ अरेंज करने के बाद सेवादार के पास समय है क्या, दूसरों प्रोग्राम करके नहीं जानेंगे, सब कुछ करने के बाद इस समय में हमने मीटिंग रखा करके आमीन बोलने के लिए सेवादार को बुलाएंगे। ब्याह दे वास्ते मीटिंग रखनी तो सब कुछ प्रोग्राम बना लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि सेवका को समय है या नहीं, सब कुछ रखने के बाद आके बोलेंगे सेवक लोग मीटिंग वास्ते। परमेश्वर के भली और बाप का सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए अपना नया मन को नया करते हुए आपका चाल चलन बदलना चाहे। तुसी परमेश्वर की चंगी मन पाउंदी इच्छा पूरा करने वास्ते तुहाडा मन नु नवा कर दियो, तुहाडा चाल चलन बदलना चाहिए। न्यायों की किताब 20 अध्याय में पढ़ने से न्यायों की किताब 20 अध्याय में पढ़ने से इसराइल के एक गोत्र के लोग बिन्यामीन ने कुछ गलती किया, इसलिए इसराइली लोग सारे इसराइली लोग उनके साथ लड़ने के लिए सारे सेनाओं की इकट्ठा किया करके हम देखते हैं। बेंजामिन के गोत्र के लोगों ने एक गलती की थी और सारे इसराइली उन्होंने नाल लड़ने वास्ते इकट्ठे हुए। उस समय में सब कुछ लड़ाई करने के लिए फैसला करके आखिर में परमेश्वर के पास पूछता है हम में से कौन पहले जाना चाहे। वो सब कुछ लड़ाई वास्ते इकट्ठा करने के बाद आखिर में परमेश्वर को पूछते हैं कि साडे विचों किन्ने पहला चढ़ाई करनी है। सब लोग थोड़े ध्यान से सुने, सारे लोग थोड़ा ध्यान नाल सुनो। हम अपने मर्जी को प्रकट करने के लिए करने के लिए हम कोशिश करने से हमारा परमेश्वर अपने मर्जी में सिर नहीं डालेगा, वो कुछ आंसर देके छोड़ देगा। जे असि अपनी मर्जी करनी है करके जब असि उदे सामने प्रकट करांगे तो साडी मर्जी दे विच साडा परमेश्वर सिर नहीं डालेगा, वो सानू साडी मर्जी करन वास्ते छड़ देगा। वो हमारे लिए आशीष के कारण नहीं होएगी और हम यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते, उसकी मर्जी करते हुए धीरज धरते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। बरकत का काम नहीं होगी
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਵਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ, न्यायों की किताब 20 की 18 से लेकर 28 तक पढ़ने से वहाँ तीन बार उनसे परमेश्वर से पूछा करके हम देख सकते हैं। न्यायों की किताब 20 अध्याय 18 वचन तो लेकर 28 वचन तक पढ़ने देना, तुसी देख सकते हो कि उसे तीन बार उन्होंने परमेश्वर के कोलो पूछा। पहले उन्होंने नहीं पूछा हम युद्ध के लिए जाना नहीं जाना करके नहीं पूछा, पहले हम सब तैयार हो गया हमारे पास इतने फौज है हम में से कौन जाना चाहे करके परमेश्वर से पूछा। उन्होंने पहला नहीं परमेश्वर के कोलो पूछा बल्कि सब कुछ तैयारी करने के बाद कि साड़े कोल इतनी फौज है कि साड़े विचों किन्ने पहला चढ़ाई करनी है। 18 वचन पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ांगे। इसराइली उठ के बैतेल नु चढ़ गए अते परमेश्वर तो सलाह पूछी भई साड़े विचों बिन्यामीन नाल लड़न नु लड़ाई करनो पहले कौन चढ़े। यहोवा ने आख्या पहले यहूदा। सब इसराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इसराइलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब कुछ अपने मर्जी पूरा करने के बाद परमेश्वर से पूछता है हम में से कौन पहले चढ़ाई करे। सब कुछ अपनी मर्जी करने तो बाद कहते हैं कि साड़े विच पहला कौन चढ़ाई करे। परमेश्वर ने कहा यहूदा जाए, परमेश्वर ने आख्या यहूदा चढ़े। वहाँ क्या हुआ मालूम है, की होया पता है। 21 वचन में पढ़ते हैं वहाँ उस दिन इसराइल में 22,000 लोग मर गया करके हम देखते हैं। 21 वचन पढ़ के देख सकते कि उस दिन इसराइलियों विचों 22,000 लोग मर गए। हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है परमेश्वर ने कहा जाने के लिए फिर क्यों इसराइली लोग जीता नहीं, हार गया करके सोच सकते हैं। मन में सवाल उठ सकता है कि परमेश्वर ने कहा क्या कि यहूदा चढ़ जावे फिर क्यों बच के नहीं आए। यार भाइयों बहनों हम अपना मर्जी पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा मर्जी के बीच में कुछ रुकावट नहीं करेगा, जाने के लिए बोल देगा, लेकिन वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगी अरावट का कारण होगी। प्यारे भैन भरावो जदो असीं अपनी मर्जी नूं पूरा करन वास्ते अगे वधांगे तां परमेश्वर कदे भी साडी मर्जी विच सिर नहीं अड़ाएगा बल्कि सानूं जान वास्ते कह देवेगा, वो साडे वास्ते बरकत का कारण नहीं होवेगी। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने आप को दृढ़ करते हुए और कुछ सेनाओं के इकट्ठा करते हुए और परमेश्वर से पूछा, 23 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन भी उन्होंने अपने आप को दृढ़ करते हुए और सेना इकट्ठे करके दूसरे दिन भी पूछा, 23 वचन पढ़ांगे। पर इसराइली उत्ते गए अते तिकाला तोड़ी यहोवा दे अगे रोए और यहोवा तो सलाह पूछी भई असि अपने भरा बिन्यामीन दे परिवार नाल लड़न नूं फिर चढ़िए कि ना। यहोवा ने आख्या ओदे उत्ते चढ़ाई करो। और इसराइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं। यहोवा ने कहा हाँ उन पर चढ़ाई करो। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस थोड़ा चेंज आया, रोना शुरू किया, फिर परमेश्वर से पूछा हम भाइयों से लड़ना जाए, उन्होंने थोड़ी जी बदलाहट आई, रोना शुरू किया, फिर पूछा परमेश्वर असि अपने प्राण नाल लड़न वास्ते जाइए। परमेश्वर ने कहा जाओ, परमेश्वर ने आख्या जाओ। वहाँ क्या हुआ, ओथे की होया, उस दिन भी लोग मर गया करके हम 25 वचन में पढ़ सकते हैं। उस दिन भी लोग मर गया करके असि 25 वचन च पढ़ सकते हैं। बलि बावता सिद्ध मर्जी, बलि चंगी अते मन पौंदी अते सिद्ध इच्छा। अभी 26 से लेकर 28 तक पढ़ने से, उन 26 वचन तो लेकर 28 वचन तक पढ़ने थे, उनके जीवन में पूरी रीति से अपने मर्जी के तोड़ते हुए रोया, बलि चढ़ाया और परमेश्वर के वाचा के संदूक उठाने वाला याजल को इकट्ठा करके फिर परमेश्वर से पूछा हम जाए या नहीं जाए। उस समय में परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं कल के दिन उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। उस तो बाद असि वेखते कि वो फिर अपनी मर्जी नु पूरी तरह तोड़ दे, परमेश्वर दे अगे रोए अते संदूक चुकन वाले जाजका नु इकट्ठा किया अते फिर परमेश्वर तो पुछदे हन कि असि जाइए जा ना जाइए। फिर परमेश्वर कहिंदा जाओ, कल मैं उन्हां नु तुहाडे हाथ विच कर दियांगा। 26 से लेकर 28 जल्दी पढ़ेंगे, 26 वचन तो लेकर 28 वचन तक। तद इसराइल अते सारे लोग उठे अते बैतल विच आण के रोए और उत्थे यहोवा दे सन्मुख बैठे और उस दिन सबना ने संध्या तोड़ी वर्त रखिया अते होम दियां अते सुख सां दियां पेटां यहोवा दी अगे चढ़ाईयां अते इसराइल ने यहोवा कोलों पुछिया क्यों जो परमेश्वर दे नेम दे संदूक उन्नी दिनी उत्थे ही सी अते हरून दा पुत्र अलियाजर दा पुत्र फिनहास उन्हां दिनां विच उहदे अगे खलोंदा हुंदा सी। तद उसने एक प्रश्न पुछिया मैं अपने भरा बिन्यामीन दे नाल फिर लड़ाई करन नूं जावां जां हट जावां। अते यहोवा ने आख्या
जा क्यों जो पलके मैं उन्हां नूं तेरे हाथ सौंप दियांगा। तब सब इसराइली वरन सब लोग बेतेल क्यों गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उनके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं वह उनको छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसके बाद क्या हुआ? इस तो बात की होया, जैसा परमेश्वर ने कहा उन्होंने बिन्यामीन को पर जय पाया करके हम नीचे के वचन में पढ़ सकते हैं। नीचे के वचन पढ़ सकते कि जिस तरह परमेश्वर ने आख्या सी उन्होंने बिन्यामीन दे परमेश्वर के बलि बहुता सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए तुम्हारा बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। परमेश्वर की चंगी मन पौंदी इच्छा नु पूरा करने वास्ते तुहाडे बुद्ध दे नवे होने दे नाल तुहाडा चाल चलन बदलदा जाए। तीनों समय में उन्होंने परमेश्वर से पूछा लेकिन तीन समय का अनुभव अलग करके हम देख सकते हैं। उन्होंने तीन समय परमेश्वर को पूछा पर तीन समय का तजर्बा जड़ा अलग सी। पहले सब कुछ हमारे पास सेना है, इतने सेना है, वो तो छोटा परिवार है, छोटा गोत्र है, हम जा सकते जी पाएंगे। अपने फौज के ऊपर भरोसा रखते हुए हम में से कौन जाने करके पूछता है? सब तो पहला अपनी पर जो सब कुछ इकट्ठा करने तो बाद साडे कोल इतनी सेना है, असी ओदे तो छोटा गोत्र है, असी ओदे ते फतह पावांगे, साडे विच कौन पहला जाना करके पूछदे हन? हमारा परमेश्वर दिल के गहराई की जानने वाला परमेश्वर, इसलिए उनके बीच में मर्जी में रुकावट नहीं करता है जाने के लिए। यूदा जाने के लिए बोला, साडा परमेश्वर दिलां दी गहराई नूं जानण वाला परमेश्वर है, इसलिए उन्हां दी मर्जी विच रुकावट नहीं पाई तो जान वास्ते कह दिता यूदा पहला जाएगा करके। क्या दोनों समय में हार गया। तीसरा बार उन्होंने उपवास किया, रोया और बलि चढ़ाया और परमेश्वर का वाचा के संदो उठाने वाला याजक के साथ मिलकर सलाह लिया। परमेश्वर से पूछा ना, हम चढ़ाई करे जाओ या तो छोड़ दो करके बताया। परमेश्वर ने कहा जाओ। अते तीजी बार असी देखते कि उन्होंने पूरा दिन व्रत रखिया, रोए अते याजकां दे नाल मिलके पंजितो जो कि परमेश्वर दे संदूक दे सामने खलोंदे सन उन्होंने नाल मिलके परमेश्वर तो पुछिया कि असी चढ़का चढ़ के जाइए जा हट जाइए, तो परमेश्वर ने आख्या कि जाओ। प्यारे सेवक, प्यारे विश्वासियो, आप चलाने वालों के साथ परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए चाहते है, करने के लिए चाहते है, नहीं तो अपने मर्जी पूरा करते हुए आप नष्ट होना चाहते हैं। प्यारे सेवको, प्यारे विश्वासियों, कि तुसी चलाउन वाले दे नाल मिलके परमेश्वर दी मर्जी नु जानना चाहते हो, ओदी मर्जी नु करना चाहते हो, नहीं तो तुसी अपनी मर्जी दे अनुसार चलना चाहते हो। 26 से लेकर 28 तक देखने से वो लोग उपवास किया, हलीम किया, रोया, बलि चढ़ाया, साथ ही साथ वाचा के संदूक को ढूंढा है। उस वाचा के संदूक उठाने वाला याजक लोगों के साथ परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर जाओ वर की बोला, उनको विजय दिया है। 26 वचन तो 28 वचन तक पढ़ने नाल असी देख सकते कि उन्होंने व्रत रखिया, रोए अते जाजकां ने संदूक नु लभिया अते जाजकां नु नाल लेके परमेश्वर तो पूछा तो परमेश्वर ने आख्या जाओ। आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आया, अपने ही करते रहते करके यीशु का आगमन तक वही गोरज गाना चाहते हो कि तुसी आप प्रभु दी मर्जी नु पूरा करने वास्ते आए, मैं अपने ही करता रहना करके तुसी वही गीत नु यीशु दे आगमन तक गाना चाहते हो। हमारा कलीसिया का खासियत बोलने से चलाने वालों को हर दिन में रहते हुए उनके कहने के अनुसार परमेश्वर की मर्जी करने के लिए सिद्ध होने के लिए हम अभ्यास करना चाहे। साडी कलीसिया की खासियत यही है कि परमेश्वर चलाने वाले के अधीन रह के परमेश्वर की मर्जी नु पूरा करने वास्ते करते हुए सिद्ध होंदे रहना है। तीसरे समय में उन्होंने पूछा वाचा के संदूक के साथ, वाचा के संदूक उठाने वाला फिनेगास के साथ परमेश्वर के हजूरी में पूछा तो परमेश्वर ने उनको ठीक उत्तर दिया, वैसा जय भी दिया है। तीसरे समय उन्होंने वाचा उन्होंने रोक के व्रत रख के वाचा का संदूक चुकन वाले मिलके फिनेहास के नाल मिलके परमेश्वर तो पूछा तो परमेश्वर ने क्या जाओ। आओ सेवादार हो, विश्वासी हो, यीशु का आगमन में जाना चाहते है, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करना चाहे, उसमें सिद्ध होना चाहे, उसके लिए हमारे लिए चलावट का दिन में रहना बहुत जरूरी है। आप विश्वासियों जो प्रभु की आमद में जाना चाहते हो और सिद्ध इच्छा को पूरा करना साडे जीवन में बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की मर्जी हम करते करते करके धोखा नहीं पाना। यीशु के नाम में भविष्यवाणी किया, यीशु के नाम में शैतान को दूर किया, यीशु के नाम में अनेक अद्भुत काम किया, ये सेवा किया, वो सेवा किया, ये काम किया करके धोखा नहीं पाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे परमेश्वर की मर्जी नु करते हैं।
का स्थान ढूंढते हुए वाचक के संदूक आगे आगे जाते करके हम देख सकते हैं। किताब पढ़ते कि इसराइलियों वास्ते विश्राम स्थान लपण वास्ते वाचक का संदूक अगे अगे जाता है। किताब 10 की 33 में पढ़ सकते हैं वाचक का संदूक उनके विश्राम स्थान ढूंढते हुए उनके आगे गया है। गिनती की किताब 10 अध्याय 33 वचन दे विच पढ़ सकते हैं कि उन्हां वास्ते आराम विश्राम स्थान लपण वास्ते नेम दा संदूक उन्हां दे अगे अगे जाता है। हमारे कलीसिया में परमेश्वर हमें ठीक रास्ता दिखाने के लिए हमें उस स्थान में उस वायदा के देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने लीडर्स को अगुवाओं को दिया उनके साथ रहते हुए हम परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना चाहते हैं। ने सारी कलीसिया दे विच सानू ठीक मार्ग दिखाने वास्ते सानू उस जगह ते वायदे दे देश विच पहुंचाने वास्ते सारी अगुवाई करने वास्ते सानू चलाने वाले ने दिता असि उन्होंने मिलकर परमेश्वर की मर्जी। संसार में बहुत सारे आजाद मिशन को देख सकते हैं उनके होमर अमीची में क्या फर्क है। दुनिया के कई तरह आजाद मिशन देख सकते उन्होंने अंतर है वाचक का संदूक उठाने वाला और कोई नहीं उठा सकता है याजक लोग उठा सकते हैं। नेम के संदूक न और कोई नहीं चुक सकता सिर्फ याजक ही चुक सकते हैं। हम अपने मर्जी तोड़कर परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए परमेश्वर हमें चलाने के लिए चलावट दिया है। सारी मर्जी ने तोड़ के ऐसी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने वास्ते परमेश्वर ने सब चलाने वाले दिखे। पुराने नियम में कई बलि के बारे में देख सकते हैं एक बलि हन बलि है उन हन बलि की व्यवस्था क्या है पहले वो हन गौ अच्छर से कूट के मैदा होना चाहिए। पुराने नियम के कई बलियों को ऐसी व्यक्ति एक अन्न बलि है वो जरा अन्न है उन्होंने पहले कूट के उन्होंने मैदा बनाना। यदि आप परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना चाहे तो आपका मर्जी तोड़ने के लिए तोड़कर मैदा बनाने के लिए चलावट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जेकर तुसी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करनी है तो तुम्हारी मर्जी को तोड़ तोड़ के मैदा बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का बलि और बापता सिद्ध इच्छा क्या करके मालूम करने के लिए आपका बुद्धि नया होना चाहिए उसके द्वारा आपका चल चलन बदलना चाहिए। परमेश्वर की चंगी मन पौधी इच्छा जानने वास्ते तुम्हारी बुद्ध ने नवे होना बहुत जरूरी है। इस न्यायों की किताब में जब उन्होंने याजक के साथ मिलकर वाचक के संदूक के साथ परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उनको सलाह दिया है और जय दिया है। जब उन्होंने न्याय की किताब के विच जब उन्होंने याजक के नाल मिलकर परमेश्वर तो सलाह पूछी तो परमेश्वर ने उन्होंने सलाह दी। हम परमेश्वर की मर्जी थोड़ा समय थोड़ा हक तक करते हैं उसमें भी संतुष्ट नहीं होना। असि थोड़ी परमेश्वर की मर्जी ने थोड़े समय के विच थोड़ी सीमा तक करते हैं उसके विच असि खुश नहीं होना। सिद्ध मर्जी करते क्या उसमें सिर रहते क्या करके जानने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आपका रास्ता में ले आ सकते हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा संपूर्ण इच्छा पूरा करते करके जानने वास्ते किसी न किसी व्यक्ति मार्ग में चले उसके लिए पुराने नियम से एक संभव बोलकर मैं संक्षेप में कलम करने जा रहा हूँ। मैं इस बारे में एक पुराने नियम के घटना बोल के मैं छोटा करके खत्म कर राजा 13 अध्याय में पढ़ने से पहला राजा 13 अध्याय में पढ़ने थे इसराइलियों के गलती के समय में उनको सामने यूदा से परमेश्वर एक नबी की भेजा करके हम देखते हैं। इसराइली लोग गलती करने समय उन्होंने सामने यूदा के विच एक नबी नु कर लिया उसने आकर नबूत किया था उन्हें आके अगवा किया उसको पकड़ने के लिए राजा ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सुख ऐसा सीधा हो गया खड़ा हो गया वो झुक नहीं पाया है। उन्हें फंड वास्ते अपना हाथ राजा ने हाथ बताया तो हाथ उतरे खड़ा हो गया। पहले राजा तेरा दिया के पहले 24 वचन पढ़ने से मैं जो बोल रहा हूँ आप मालूम कर सकते हैं। पहला राजा 13 अध्याय दे पहले 24 वचन पढ़ने नाल जो मैं तुहानू बोल रहा हूँ तुहानू समझ में आएगा। उस नबी को परमेश्वर ने भेजने के समय में उसको कहा था तुम जिस जगह में तुम जाएगा उधर खाना नहीं खाना है पानी नहीं पीना है और जिस मार्ग में तुम जा रहे उसमें से वापस नहीं आना है। परमेश्वर ने उस नबी ने आख्या किसी चीज जिस जगह से तू जाएगा उठे जाके ना खाना खाना ना पानी पीना और जिस राह तू जाएगा उस राह वापस नहीं आना। राजा के लिए इसने प्रार्थना किया उसका हाथ ठीक हो गया। राजा ने कहा मेरे पास आओ मेरे घर में विश्राम कर तुम्हारे लिए बहुम जो कुछ दान दूंगा करके बताया। आते उन्हें उठे जाके उन्हें राजे वास्ते दुआ की थी राजे का हाथ ठीक हो गया तो राजे ने आख्या कि तू मेरे घर में आ आराम कर मैं तेन तू कुछ दान दवांगा। लेकिन इस नबी ने परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसे कहा जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा इस जगह में मैं रोटी नहीं खाना है पानी नहीं पीना ऐसा करके उसको बताया है। पर इस नबी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने आख्या कि जिस परमेश्वर ने मैंने कल्या उन्होंने आख्या कि जिस जगह से तू जावे रोटी ना खावी ना पानी पीवी। उसके बारे में 8 और 9 में पढ़ सकते हैं अभी पढ़ने की समय नहीं है। बारे में 8 और 9 में पढ़ सकते हैं पढ़ने वास्ते समय नहीं। उसने राजा के सामने परमेश्वर की मर्जी करते हुए दूसरे रास्ता से अपना देश लौट रहे उन्होंने राजे के सामने परमेश्वर की मर्जी करता हुआ दूजे राजधानी वापस जा रहा है। आप सेवक हो विश्वासी हो नया हो पुराना हो
एक बात याद रखना, आप उस परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहते क्या? आप हिलते डामाडोल होता करके जानने के लिए आपके बीच में से लोगों को खड़ा करेंगे। पावे सेवक हो वो चाहे विश्वासी हो वो पावे नवे हो वो पुराने हो वो तुसी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करते हो या नहीं करते हो तुहानू जांचन वास्ते परमेश्वर तुहाडे विचों ही लोगों नू खड़ा करेगा। वहां एक बुढ़ा नबी बेतेल में रहता था, उसने इस नबी के बारे में सुना है। उस बेतेल दे विच एक होर बुढ़ा नबी रहिंदा सी। इस नबी को मिलने के लिए रास्ता में गया। ए, उस नबी नू मिलने वास्ते उस राह विच गया। उसने कहा मैं भी तुम्हारे समान नबी हूँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसको वापस ले आकर उसको भोजन दे करके बताया। ते उस नबी ने उन्हें आख्या कि मैं भी तेरे वहां की नबी हूँ, ते परमेश्वर ने मैंने आख्या कि तेनू वापस ले आके के खाना दवा। इसके बारे में गहरा से लेकर पढ़ने से मालूम कर सकता है। एदे बारे में गहरा तो लेके पढ़ने नाल तुसी पता कर। इस नबी ने परमेश्वर का मर्जी किया, कुछ हद तक किया, कुछ समय तक किया, लेकिन सिद्ध मर्जी करते हुए सिर नहीं रहा। इस नबी ने परमेश्वर की इच्छा पूरा तक किया, कुछ समय तक किया, कुछ हद तक किया, उस तो बाद उन्हें कर नहीं सकया। आखिर में क्या हो गया? आखिर विच की होया? जिस व्यक्ति ने उसको वापस ले आया, अपने घर में उसको भोजन दिया, भोजन करने के समय में नबूत किया, पहले झूठा झूठ बात बताया, बाद में सही बात बता रहे हैं। उस नबी ने जो उन्हें वापस लेके आया सी, खाना खान दे समय उन्हें नबूत की थी, पहले उन्हें झूठ बोले, बाद में उन्हें सच दसिया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे भैन भ्राओ, हम आखिरी समय में रहते हैं, हम झूठे नबियों से सावधान रहना चाहिए। असि आखिरी समय विच रहने से झूठे नबियों तो सावधान रहना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर की मर्जी से हटाने के लिए हम सिर रही क्या या हिलते करके देखने के लिए किसी को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है, इस विषय में हम सावधान रहना चाहिए। असि अपनी परमेश्वर की मर्जी विच स्थिर रहने जा नहीं रहने, असि हिलते करके जांचने वास्ते परमेश्वर किसी ने भी खड़ा कर सकता है। पापरा कैसा प्रार्थना करता है? पापरा इस तरह दुआ करता है, ये विश्वास में स्थिर रहते हुए परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए कलीसिया के लिए वो प्रार्थना में लड़ रहा है। वो कहता कि तुसी परमेश्वर की मर्जी नु करते हुए ओदे विच स्थिर रहने वास्ते तुहाडे लिए दुआ करता है। पहले सदी सेवक परमेश्वर का मर्जी करना कितना जरूरी करके जानते हुए कलीसिया के लिए ऐसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए उसमें सिर रहने के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का सेवक तो परमेश्वर की मर्जी पूरी करना करके जरूरी है करके जान के परमेश्वर की मर्जी में स्थिर रहने वास्ते दुआ कर रहा है। सेवक को आपके पास सलाह लेने के लिए आने वाला किसी भी विश्वासी को उनको खुश करने के लिए सलाह ना दे, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए उनके सिर रहने के लिए सिखाने के लिए प्रयास करे। प्यारे सेवक को तुहाडे कोल कोई सलाह पूछना आउंदे समय उन्हें खुश करने वास्ते सलाह ना दो, बल्कि परमेश्वर की मर्जी नु सिद्ध कर पूरा करने वास्ते उन्होंने सलाह दो। इस नबी ने कुछ हक तक कुछ समय तक परमेश्वर की मर्जी किया, सिद्ध मर्जी नहीं किया, सिर नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? इस नबी ने थोड़े समय तक परमेश्वर की मर्जी नु पूरा किया, वो मर्जी दे विच स्थिर नहीं रहा, अते बाद विच की होया? 24 में 24 वचन में एक भयानक बात लिखा है। 24 वचन दे विच एक भयानक गल लिखी है। वो जाने के बाद समय में रास्ता में एक शेर था, उसको मार डाला है। रात जो जानते समय एक शेर ने उन्हें मार दिता। हमारे विरोधी शैतान गर्जन वाला शेर के माने घूमते रहते हैं। और जिन्हें शैतान फान कर गर्जन वाले शेर की तरह घूमता रहे। प्यारे भाई, प्यारे बहन, कोई भी अपने मर्जी करने के लिए दूसरों को मर्जी करने के लिए अपने शरीर को सौंप नहीं देना। तो प्यारे बहन प्रा, कोई भी अपनी मर्जी करने वास्ते अपने शरीर को सौंप नहीं देना। कुछ लोग परमेश्वर को मर्जी कह करके जान लेते हैं, लेकिन अपने मर्जी को प्रकट करते हुए उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा किए करके जान लेंगे पर अपनी मर्जी को प्रकट कर देंगे। उर्वशी की किताब 19 अध्याय में लोग को परमेश्वर ने अपने जीवन बचाने के लिए पहाड़ में भाग जाने के लिए कहा था। उसने कहा ऐसा नहीं करके परमेश्वर को सलाह देते हुए 100 आर में छोटा जगह में नजदीकी जगह में चला गया, अपने परिवार के ऊपर हानि ले आया। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में परमेश्वर ने उनकी मर्जी किया करके उन्हें दसिया तो उन्हें क्या कि पहाड़ नु भज जा, पर उन्हें अपनी मर्जी नु प्रकट करते हुए क्या नहीं परमेश्वर ने छोटे से स्वार्थ विच मैंने जान लिया। में भी कुछ लोग परमेश्वर का मर्जी को जान लेते हैं, लेकिन उसको करने के बगैर अपनी मर्जी करते हैं। कलीसिया में भी कुछ लोग परमेश्वर की मर्जी जान लेंगे पर अपनी मर्जी पूरा करते हैं। योना को परमेश्वर ने निनिवे में जाकर प्रचार करने के लिए कहा, उसने निनिवे को छोड़कर दर्जीशी में भागा। योना ने परमेश्वर ने निनिवे में जाकर प्रचार कर लिया क्या, पर वो परमेश्वर की मर्जी छोड़ के दर्जीश नो जाना। लोग को पहाड़ में जाने के लिए कहा, उसने मैं जोर में जाऊंगा करके बता। लोग परमेश्वर ने पहाड़ उत्ते भजन आख्या पर उन्हें क्या मैं सवार नो जावांगा। ये लूत और योना साथ में रहने से
ये भी गीत गाएंगे हमारा मानिंद, मर्जी तेरी करने के लिए आया अपने ही करते रहते करके, वो भी अच्छे से गीत गाएंगे। योना ते लूत जे साथ साथ रहेंगे तो वो भी साडे वांगे ये गीत गाओगे कि मैं मर्जी तेरी करने वास्ते आया पर अपने ही करता रहना। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारे भैन भराओ, यदि यीशु का आगमन में जाना है, पिता के राज्य में प्रवेश होना है, पिता की मर्जी करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने कहा मुझसे हे प्रभु करके करने वाला पिता के राज्य में नहीं जाएगा, पिता का मर्जी पर चलने वाला जाएगा। जेकर प्यारे भैन भरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन विच जाना है और पिता के राज्य विच प्रवेश करना है तो पिता की मर्जी नूं पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने आख्या कि जो मैनू हे प्रभु कहंदे हन ओ पिता के राज्य विच नहीं वड़नगे बल्कि ओही जो पिता की सिद्ध इच्छा नूं पूरा करदे हन। योना का मानिन, लूत का मानिन, पिता का मर्जी जानने से भी अपना मर्जी को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा ना हो। कुछ लोग लूत ते योना की तरह परमेश्वर की इच्छा जानने तो बाद भी अपनी मर्जी नु करना चाहते हैं, इस तरह ना हो। मैथ्यू 16 अध्याय में 16 के 21 से लेकर 23 में पढ़ने से यीशु के बारे में, उसके दुख उठाने के बारे में जब पत्र सुना, उसके जीवन में उसके मर्जी पिता का मर्जी पूरा होने के बगैर पत्रस उसको डांगने लगा करके हम देखते हैं। मत्ती दी अंजील 16:21 वचन तो पढ़ते समय अभी देख सकते कि जब पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाने के बारे में सुनिया अति उन्हें झिड़कन लगा करके क्या। और प्रेरित की किताब 21 अध्याय की 8-14 से पढ़ने से 14 तक पढ़ने से रसूलों ने किताबों ने 21 अध्याय 8-14 वचन तक पढ़ने थे। वहाँ पौलुस के जीवन में जो यरूशलेम में जाकर कष्ट उठाने के बारे में एक नबी ने नबूत किया और यरूशलेम के बीच संत पौलुस के बारे में कष्ट उठाने के बारे में एक नबी ने आख्या। वहाँ ससरिया में रहने वाला चेला लो उसके परमेश्वर की मर्जी से उसको हटाने के लिए रो रो के रुकावट करते हैं। अत्य वो लोग जो ससरिया में रहने वाले लोग सन वो परमेश्वर की मर्जी तो हटाने वास्ते रो रो के उन्हें रोकन लगे। आप में कोई लूत का मानिन, योना का मानिन, परमेश्वर का मर्जी जानने के बाद भी अपना मर्जी कोशिश कर सकते हैं क्या? आज ही समर्पण करे, ऐसा पिछले दिन में ऐसा अनुभव आने से पश्चाताप करे, माफी मांगे। तुहाडे विचों जे कोई लूत की तरह योना की तरह परमेश्वर की मर्जी नूं जानन तो बाद भी अपनी मर्जी नूं करदे हो तो अज ही सौंप दो, परमेश्वर को पश्चाताप करके माफी मांगो। यीशु यरूशलेम में जाकर दुख उठाने के बारे में बोलने के समय में उसके जीवन में पिता की मर्जी पूरा होने के बगैर रुकावट किया हुआ पत्रस के मानिंद आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर की मर्जी करने के लिए रुकावट काम करने से आज ही पश्चाताप करे, मन फिरे। प्रभु यीशु से दुख उठाने के बारे में जानने के समय पत्रस ने जिस तरह उन्होंने रुकावट की थी जो उस तरह तुम्हारे जीवन में तुम भी दूजे की परमेश्वर की मर्जी पूरी होने वास्ते तुम रुकावट कर दे तो आज ही तौबा करो। आप प्रेरित की किताब 21 की 8-14 पढ़ने से यरूशलेम में मैं मसीह के लिए बांधा जाने के लिए केवल नहीं मैं मरने के लिए तैयार है करके जब पौलुस ने बोला जब रसूल की किताब 21 अध्याय के 8 वचन तो पढ़ के देखेंगे तो जब उन्होंने कहा कि मैं यरूशलेम के विच मसीह के वास्ते बनया जान लिए नहीं बल्कि मरने लिए भी तैयार है करके क्या था। पहले यहाँ के लोग ससरिया के लोग रो रो के उसके दिल तोड़ रहे हैं, कैसरिया के लोग जड़े सर रो रो के उन्हें दिल तोड़न लगे। पौलुस ने कहा क्यों तुम रो के मेरा दिल तोड़ रहे हो, मैं यरूशलेम में मसीह के लिए केवल बाधा जाने के लिए तो नहीं मरने के लिए मैं तैयार हूँ। वो सुनकर परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के लिए वो चुप हो गया। जब संत पौलुस ने आख्या कि तुम क्यों रो के मेरे दिल तोड़ते हो क्यों जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के बदले यरूशलेम में बनने जाने ही नहीं सगो मरने को भी तैयार हाँ तो ये सुन के परमेश्वर की मर्जी पूरी करने अपने जीवन में भी दूसरों के जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के बगैर रो रो के रुकावट करेंगे। कई लोग जो है अपने जीवन में भी चाहते परमेश्वर की दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर की मर्जी ना पूरी होने वास्ते रो रो के रुकावट करते हैं। मान लिया तो क्या काम से, मान लिया तो क्या काम तो। पौलुस ने नहीं माना है, पौलुस संतोष ने नहीं मनिया। 14 में क्या लिखा मालूम है, 14 वचन की लिखा जब पौलुस ने नहीं माना जब संत पौलुस नहीं मनिया वो सिर्फ वचन पढ़ेंगे उन्होंने परमेश्वर की मर्जी होने देकर के चुप हो गया। फिर वो परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वास्ते चुप हो गए। 14 वचन जब वो ना मनिया तो असि ये कह के चुप कर रहे पे प्रभु की मर्जी पूरी हो गई। पहले क्या कर रहे थे, पहले की करते सन प्यारे भाई आप में से कोई ऐसा हो कि तुहाडे प्यारे भैन भरा तुहाडे विच कोई ऐसा है जीवन के बारे में दूसरों के जीवन के बारे में कोई परमेश्वर कुछ अपने मर्जी के बताने के समय में आप रो रो के रुकावट करने वाला दिल तोड़ने वाला है क्या? कि तुसी दूसरे के जीवन के विच परमेश्वर मर्जी अपनी दसन के समय तुहाडे जीवन विच परमेश्वर अपनी मर्जी प्रकट करने के समय कि तुसी रो रो के दिल तोड़न वाले हो। पौलुस ने नहीं माना इसलिए परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के चुप हो गया। जो संत पौलुस नहीं मनिया इस
इसलिए परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे करके चुप कर गए। अभी थोड़ा ही समय रह गया, और थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा वो देर नहीं करेगा, आमन आवेगा तो चेर नहीं लाएगा। हम यीशु का आगमन में जाना चाहे तो असि यीशु दी आमद विच जाना, हम धीरज धरना अवश्य है और परमेश्वर की मर्जी करते हुए वायदा को प्राप्त करने के हमारे जीवन को तैयार करना चाहिए। असि धीरज धरते हुए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके वायदे को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कोई भी अपने जीवन में हो, दूसरों के जीवन में हो, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी प्रकट होने के समय में आप योना कमानी लोक कमानी उसको छोड़कर दूसरा जगह में ना जाए, और पेतरस पत्रस का मानिंद ससरिया के चेलों का मानिंद रो रो के रुकावट करके परमेश्वर के मर्जी से आप हटना नहीं चाहिए, दूसरों को भी हटाना नहीं चाहिए। इसलिए तो हटे जीवन जो में नहीं था दूसरे दे जीवन दे विच परमेश्वर की मर्जी प्रकट होने के समय तुझे योना अते लूत की तरह ओदी मर्जी नूं हटा के अपनी मर्जी करन वास्ते नहीं बोलना, अते कैसरिया अते दूसरे कैसरिया दे लोकां दी तरह रो रो के उन्हां दे दिल नूं नहीं तोड़ना। यीशु आगमन तक मैं तेरी मर्जी करने के लिए आया, अपने ही करते रहता हूँ, मान लिया घमंड का कारण करके मान लिया करके गीत गाते नहीं रहना। अब उसके पहले परमेश्वर का मर्जी करते हुए स्थिर रहने के लिए, सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहने के लिए अभ्यास करें। मैं अब तेरी मर्जी करने वास्ते आया, पर अपने ही करता रहना, मान लिया करके मेरा कमांडे ना कान करके गीत नहीं गाते रहना, बल्कि आगमन तो पहला उसकी मर्जी पूरा करके सिद्ध होना है। यीशु मसीह ने इस संसार में आने के समय में मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, इसमें तेरी मर्जी कर रहा हूँ करके बताया है, आखिरी में कलवारी में अपने जीवन को बलिदान चढ़ाया, खुशी से चढ़ाया है। प्रभु यीशु से इस दुनिया में आने के समय उन्होंने आख्या कि मेरे वास्ते एक शरीर तैयार किया गया, इधर मैं तेरी मर्जी पूरी करने वास्ते आया है, आखिर उन्हें कलवारी क्रूस उत्ते अपने शरीर को बलिदान। हम परमेश्वर की मर्जी करने में खुशी से करना चाहे, दुख के साथ, सवाल के साथ, विरोध के साथ, बुरा बुरावट के साथ नहीं करना चाहे, खुशी के साथ करना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी ने अपने जीवन में खुशी ना करना चाहिए, बुढ़ बुढ़ा के विरोध करते हुए करवाहट के नाल नहीं करना, उसकी सिद्ध मर्जी करते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए इंतजार करने वालों के लिए यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। उनकी सिद्ध मर्जी ने पूरा करते हुए वायदे को प्राप्त करके उन्हें डिगन वाले वास्ते जल्दी आने वाले। परमेश्वर की मर्जी करने के लिए खुशी से करने के लिए तैयार आप खड़ा करें। कितने लोग